ये मेरे पास दो चिकन के लेग पीस हैं, इसके अंदर मैंने 3 खाने के चम्मच सिरका, 1 चाय का चम्मच नमक और थोड़ा सा पानी डाला है और इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया है। और 1/2 चाय का चम्मच मेरे पास है जीरा है, इसको हम अच्छे से कूट लेंगे। तो ये देखें, मैंने इसको सफेद जीरे को दरदरा सा कूट लिया है। अब बारी है हमारे पास साबुत धनिया की। साबुत धनिया मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है, इसको भी मैं इसी तरह दरदरा कूटूंगी। छोटे इमामदस्ते में सारा बाहर निकल रहा था उछल उछल के, इसलिए मैंने बड़ा हवादस्ता ले लिया है। मैं इसके अंदर कूटूंगी। अब बारी है लहसुन अदरक की। तो 1 छोटा बंच मेरे पास लहसुन था, ये ले लिया है, मैं इसी के अंदर डाल लूंगी। और इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा, इनको भी मैं इसी तरह कूट दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको आसिफ शाहिद का बहुत बहुत प्यार भरा सलाम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको तंगदस्ती से, मुफलिसी से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सबको अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे, और जो बीमार है उन सबको और मेरे को अल्लाह ताला शिफाए कामला अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को वसी करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो लाइट गई तो ये मैं जब तक की तैयारी कर रही थी उतने में लाइट चली गई, तो मैंने सोचा वीडियो तो बनानी है, तो इसलिए मैं वीडियो बनाने लग गई। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास चिकन है, इसमें 2 लेग पीस है और बाकी इसी तरह 7 बोटियां हैं चिकन की। और इसके अंदर मैंने सिरका और नमक लगा के रखा था तकरीबन 15 से 20 मिनट। और ये देखें, और इसके मैंने कट थोड़े गहरे लगाए हैं, ये देखिए। अब चलें मसाले डालना स्टार्ट करते हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने कूटा धनिया लिया है, 1 चाय का चम्मच जीरा है सफ़ेद, और इसमें 1/2 चाय का चम्मच गरम मसाला, 1/2 चाय का चम्मच नमक और 1/2 चाय का चम्मच हल्दी। और ये बारीक चाट मसाला और मोटा चाट मसाला 1/2 चाय का चम्मच। ये 2 खाने के चम्मच मैंने कुटी मिर्चें ली हैं। मिर्ची नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक लें। और ये 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है मैंने। और ये मेरे पास दही है, दही डालूंगी तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच दही डालूंगी। ये दही चला गया, और थोड़ा सा मैंने लिया है कलर, रेड फूड कलर लिया है मैंने थोड़ा सा। अब इन मसालों को अच्छे से मैं मिक्स करूंगी, और तकरीबन तकरीबन 1 खाने का चम्मच में सफेद सिरका डालूंगी, और इसके अंदर हरा धनिया है तो हरा धनिया भी मैं इसी के अंदर जाने दूंगी। ये सफेद सिरका चला गया, और 1 खाने का चम्मच मैं सोया सॉस डालूंगी। ये हमने सारे मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं, और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से इसके ऊपर लगा दूंगी। सारे मसाले मैंने अच्छे से अंदर तक इसके लगा दिए हैं। और अब इसको मैं रख दूंगी रात भर के लिए, और फिर मैं कल बताऊंगी आपको कि चिकन में किस तरह बारबेक्यू करूंगी या फ्राई करूंगी। ये रेसिपी मैं कल आपके सामने शेयर करूंगी। अभी ये मैरिनेट होगा रात भर, तो इसके अंदर सारा फ्लेवर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे।
तो मिलते हैं कल दोबारा से इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो देखें चिकन को मैरिनेट हुए हुए तकरीबन रात भर हो गई है और दिन भर ये मैरिनेट रहा और इसके अंदर बहुत अच्छे से सारे मसालों के फ्लेवर आ चुके होंगे। अब रात के तकरीबन 8:30 हो रहे हैं तो अब मैं इसको कुक करने चली हूँ। तो एक मैंने पतीला ले लिया है, इसको मैं स्टीम करूँगी, इसके अंदर मैं छन्नी रख दूँगी एक और ऐसी एक प्लेट। पहले मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि हम चिकन को स्टीम करेंगे। असल में आधा तकरीबन 1.5 गिलास के जितना मैंने पानी डाल दिया है और मैं ये रख दूँगी और ये स्टीम, ये छन्नी रख दी है मैंने, ये ढक्कन है ये मेरे पास, तो ये रख दिया है मैंने। अब इसके ऊपर मैं चिकन रखूँगी। ये मैंने बटर पेपर ले लिया है, इसके अंदर मैं टूथपिक से थोड़े से स्क्रैप कर दूँगी, जगह जगह से मैं थोड़े से इस तरह सुराख कर दूंगी। तो देखें थोड़े से मैंने सुराख कर दिए हैं और ये चिकन हमारा बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। और देखिए आप मसाले इतने अच्छे से लगे हुए हैं इसके अंदर। अब मैं इस चिकन को इस तरह रख दूंगी। पीस को भी मैं इस तरह लगा दूंगी इसके अंदर और जो छोटी छोटी बोटियां हैं इसको भी मैं इसी में एडजस्ट कर दूंगी ताकि वो भी अच्छे से पक जाए। तो देखिए सारा चिकन मैंने इसमें अच्छे से लगा दिया है और अब इसको बटर पेपर से मैं अच्छे से कवर कर दूंगी। कवर कर दिया है अच्छे से और इसको अब मैं चूल्हे पे रखूंगी। तो देखिए अभी मैंने थोड़ा सा तेज करा हुआ है चूल्हा, थोड़ा सा पानी में बॉयल आ जाए तो मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दूंगी और अब मैं इसके ऊपर किचन टावल रखूंगी ताकि स्टीम जो है बिल्कुल भी बाहर ना आए। इसको तकरीबन मैं पकाऊंगी 25 से 30 मिनट ताकि हमारा चिकन बहुत अच्छे से पक जाए। इसके बाद मैं चूल्हे को बिल्कुल हल्की आंच पे कर दूंगी। तो आपको अब दिखाती हूँ मैं 15 से 20 मिनट के बाद। तो चले देखते हैं। तो यकीन करें बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और ये देखिए अब मैं आपको चिकन करके बताती हूँ। तो देखें चिकन को पकते हुए 25 मिनट हो गए हैं और चिकन कितने अच्छे से ये देखें पक गई है बिल्कुल। अब मैं इसको डिश में निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें मैं आराम से उठाऊंगी क्योंकि ये बहुत अच्छे से पक चुकी है। ये देखें चिकन बिल्कुल गल गई है, ये देखिए गरम हो रही है, ये देखिए बहुत अच्छे से पक चुकी है। और जो बिल्कुल ऑयल वगैरह कम खाते हैं, जो ऑयल वगैरह नहीं खाना चाहते वो इस तरह स्टीम करके चिकन को बना सकते हैं। ये एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरह चिकन बना के बगैर ऑयल के खा सकते हैं। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टीम चिकन है बिल्कुल तैयार। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये तरीका बहुत पसंद आया होगा। तो आप इस तरह बगैर ऑयल के स्टीम चिकन बना सकते हैं, ठीक हो गया। ये एक तरीका है, ये एक टिप्स आपको मैंने दी है, आप इस तरह भी चिकन बना सकते हैं। अब मैं दूसरा तरीका, क्योंकि बच्चों को थोड़ा क्रिस्पी चाहिए होता है तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी। चिकन हमारी बिल्कुल पक चुकी है, अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा क्रिस्पी पसंद होता है। तो अब मैं इसको तवे पे फ्राई करूँगी और बिल्कुल कम ऑयल के अंदर। तो देखिए कितने अच्छे से चिकन फ्राई हो गया है। अब इस
चिकन को मैं थोड़ा साइड में कर दूंगी और जो ये बाकी बोटियां हैं इनको भी मैं इसी तरह बना लूंगी और फिर आपको डिश आउट करके फिर दिखाऊंगी फाइनल लुक। हमारा तवा चिकन है बिल्कुल तैयार। अब इसके अंदर बस हमें कोयले का स्मोक देना है जिससे इसके अंदर बिल्कुल फ्लेवर बारबेक्यू के जैसा आ जाएगा। और ये देखिए कितना अच्छा तला है और थोड़ा सा इसके साथ मैंने मसाला भी रखा है ताकि बच्चे रोटी से आराम से खा सकें। तो मैं चूल्हा कर रही हूँ बंद और कोयला मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए कोयला मैंने अच्छे से दहका लिया है। अब मैं कोयला इसी के ऊपर रख दूंगी, बस अलग से मैं कोई चीज़ नहीं ले रही, कोयला इसी के ऊपर रख दिया है और थोड़ा सा इस पर ही ऑयल डाल दूंगी। कोयले के मैंने ऊपर ऑयल डाल दिया और ये जो मैंने इसके ऊपर रख दिया है तो देखें बहुत ही धमाकेदार इसमें से खुशबू आ रही है बारबेक्यू की। अब इसको डिश आउट करती हूँ। तो ये देखें, देख रहे हैं आप कितना मसालेदार और चटपटा सा हमारा ये चिकन तैयार हुआ है। और यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। मगर बस मैं खुशबू तक ही महदूद रहती हूँ कि खाऊंगी तो मैं कुछ और इस पे डालूंगी मैं ये लेमन जिससे इसका जायका और भी मज़ीद मज़ेदार हो जाएगा, चटपटा हो जाएगा। तो ये देखिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी है बिल्कुल तैयार। और देखिए मैंने बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से सर्व करने की कोशिश की है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये सर्व करने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड में भी शेयर कर दिया करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर आर पे प्रेस करें जिससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो आपको बरवक्त मौसूल हो जाया करेगी। तो चलें ट्राई करते हैं कि कैसी बनी है चिकन। तो अयान मेरे बराबर में ही खड़े हैं टेस्ट करने के लिए क्योंकि वही टेस्ट करके बताएंगे कि ये चिकन कैसे बनी है। तो ये देखें कितने अच्छे से, ये देखें कितने अच्छे से टूट रहा है चिकन, ये देखें। तो मैं और अयान खड़े हैं तो ये अयान है। अस्सलाम वालेकुम सबको। ये लो दुआ पढ़े आप, चले बाइट को चबा लें तो फिर उसके बाद बताएंगे। तो जी अयान कैसी लगी आपको चिकन? मजे की थी और आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं जब भी हम आगे बढ़। तो अयान भी कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें जब भी हम आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ के हम अपना घर ले सकते हैं। तो ये देखें तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।